जय हिंद साथियों, आप सभी का एक बार फिर से सैनिक वेलफेयर अपडेट्स यूट्यूब चैनल में स्वागत है। साथियों, आज हम बात करेंगे डिफेंस पेंशनर्स के बारे में, यानी ओआरओपी टू रिवीजन और एरियर्स के बारे में क्या चल रहा है। जैसा कि हमें पता है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार भी एरियर्स का भुगतान नहीं हो पाया, तो एक बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है। देखते हैं उस अपडेट में क्या कहा गया है, जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन की घंटी जरूर दबा दें। तो चलो शुरू करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, ये ट्वीट किया है 5 घंटे पहले मेजर जनरल सतबीर सिंह साहब ने, और ओआरओपी अपडेट के बारे में वो क्या कह रहे हैं। Our lawyers informed government filed application for extension of time for 3 months on 9th June 2022. It will be listed for consideration after Honorable Supreme Court reopen on 11th July 2022. Our review petition is pending. तो यहाँ पर कई सवाल उठे थे कि जो आपने वीडियो इससे पहले भी देखा होगा, उसमें आप सोशल मीडिया में भी देख पा रहे हैं कि भारत सरकार के द्वारा 3 महीने का एक एप्लीकेशन डाला गया है जिसमें एरियर्स पेमेंट के बारे में एक्सटेंशन मांगा गया था। तो सवाल उठ रहे थे कि ये एक्सटेंशन कैसे हुआ, किसके द्वारा हुआ, कहीं उसमें स्टैंप नहीं है, पेमेंट का कोई प्रत्यक्ष रूप नहीं है, उसमें कोई सिग्नेचर नहीं है। तो ऐसे कई सवाल उठा रहे थे पेंशनर्स के मन में, ये दुविधा थी। तो यहाँ पर उसी दुविधा को इन्होंने क्लियर किया गया है कि इस ट्वीट में वो कह रहे हैं कि हमने, यानी जो लॉयर इस पे काम कर रहा है, ओआरओपी टू पे शुरू से इनके साथ है, उन्होंने चेक किया और पता किया कि ये 3 महीने का एक्सटेंशन जो गवर्नमेंट ने 9th जून 2022 को डाल दी थी, और इस पर जो विचार विमर्श होगा माननीय सुप्रीम कोर्ट के खुलने के बाद, यानी रीओपन हो रहा है 11 जुलाई 2022, तो उसके बाद ही इस पर कुछ डिसीजन होगा, क्या ये एक्सटेंशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के ऊपर फैसला छोड़ा हुआ है। तो यहाँ पर एक दूसरा वो कंफर्मेशन उन्होंने किया कि अवर रिव्यू पिटीशन इज पेंडिंग, यानी जो रिव्यू पिटीशन इन्होंने डाला हुआ था वो अभी तक पेंडिंग में है, अब जब रीओपन होगा तब कोई उस पर विचार होगा, ये यहाँ पर कहने का इनका तात्पर्य था। नेक्स्ट, ये किसी साहब ने पूछा है, जी जाखर साहब ने इनसे क्वेश्चन किया है, सर कांट वी फाइल ड्यूरिंग वैकेशन लाइक गवर्नमेंट अप्लाइड फॉर मोर टाइम सो दैट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट मे डिसाइड देयर एप्लीकेशन इन द लाइट ऑफ अवर सीसी। तो इनका कहने का मतलब यहाँ पर है, आप जब बता रहे हैं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट अभी छुट्टी पर चल रहा है, वैकेशन पर चल रहा है, तो ये कैसे पॉसिबल है कि गवर्नमेंट जो है 3 महीने के लिए एप्लीकेशन डाल दे, ये कोई तर्क नहीं बनता, ये इन्होंने यहाँ पर इनसे पूछा। तो इनका जवाब क्या आया है नीचे, गवर्नमेंट फाइल्ड एप्लीकेशन ऑन 9th जून व्हेन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट वॉज वर्किंग, फर्दर रिस्पॉन्स व्हेन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट रिस्पॉन्स ऑन 11 जुलाई 2022। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि 9 जून को डाला गया है, तब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट काम पर था, यानी वहाँ पर काम चल रहा था, इसलिए ये 9 जून को फाइल किया गया है। अब फर्दर इस पर जो रिस्पॉन्स होगा, जवाब होगा कोर्ट की तरफ से, वो 11 जुलाई 2022 को होगा दोस्तों। तो ये थी दोस्तों एक जानकारी, फिर मिलते हैं एक नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत।